प्रेगनेंसी में हम अपने बच्चे को बुद्धिमान और गोरा कैसे बनाएं, तो आज का हमारा ये टॉपिक इसी बात पर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम नंबर फर्स्ट पर है बादाम। बादाम को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बादाम खाने से क्या होता है कि हमारा जो बच्चे का दिमाग है वो तेज होता है और बच्चा जो वो तंदुरुस्त पैदा होता है, तो बच्चों की जो हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इससे बादाम को आपने कैसे खाना है कि आपने बादाम को रात को भिगोकर रख देना और सुबह उठ के उसको खाली पेट खा लेना है। इससे हमारे अंदर जो भी उसके फ़ायदे होंगे वो सारे हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हमारे बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकेंड नंबर पर है केसर वाला दूध। केसर वाला दूध प्रेगनेंसी में हमें पीना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में केसर वाला दूध अगर हम पीते हैं तो हमारा बच्चा गोरा पैदा होता है, और दूध पीने से हमारे बच्चे की जो मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं और माँ और बच्चे में जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी होती है। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी में जितना हो सके दूध दही ये खाना चाहिए, और इससे हमारे बच्चे का जो ब्रेन है वो भी फास्ट होता है। थर्ड नंबर पर है नारियल पानी। प्रेगनेंसी में आपको जितना हो सके नारियल पानी पीना चाहिए, और नारियल पानी पीने के साथ साथ आपको सूखा नारियल भी खाना चाहिए। इससे बच्चे का रंग गोरा होता है और बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। नंबर फोर्थ पे है अनार। तो प्रेगनेंसी में हमें अनार खाना चाहिए, क्योंकि अनार में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो बच्चे का दिमाग है वो तेज होता है, उसके अंदर जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइव नंबर पे अखरोट। अखरोट खाने से ब्रेन फास्ट होता है, अखरोट खाने से हमारे बच्चे का और हमारा ब्रेन फास्ट होता है। नंबर सिक्स पर है अंडा। तो प्रेगनेंसी में हमें अंडे खाने चाहिए, क्योंकि अंडे में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये प्रोटीन हमें अंडे से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन खाने से क्या होता है कि हमारे जो बच्चे का ब्रेन है वो डेवलपमेंट होता है और बच्चा हमारा अच्छा और तंदुरुस्त फिट पैदा होता है। तो अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त फिट होगा और गोरा बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।